नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बेस्ट होंगे और अपनी स्ट्रेटजी जिस प्रकार से आप बना के रखे हैं वैसे ही सारी चीज़ें चल रही होंगी। जिस प्रकार से हमने मैथ के महामैराथन थर्ड सेमेस्टर की क्लास की बात कर रहे हैं, इस सेशन में हम लोग SST देखेंगे, जो कल एक महामैराथन आया था राजेंद्र सरीच का और आज दूसरा है कुरकुरे बैच महामैराथन SST का। साथियों, इसमें सारे क्वेश्चन हमने कल MCQ वाले कर लिए थे, आज हम लोग ज़्यादातर कोशिश करेंगे अति लघुत्तरी लघुत्तरी खत्म कर देंगे इसी सेशन में। अति लघुत्तरी खत्म करने का मतलब है लघुत्तरी की बहुत सारी चीज़ें आपके टॉपिक क्लियर हो जाती हैं, तो ऐसे में यह आपका बेसिक क्लास के साथ हम कोशिश करेंगे ज़्यादातर आपको डीपली बता दें सारी चीज़ें एक वीडियो में। एक घंटे का क्लास होगा, आप सभी लोग लास्ट तक बने रहेंगे और अपने मित्रों को, अपने जो भाई बहन हैं सबको शेयर कर देंगे। यहाँ पर कोई रटने रटाने वाली बात नहीं, बिल्कुल समझ बनाकर चलेंगे, बस कहानी की तरह जिस प्रकार से हमने पढ़ाया है। अगर आपने देखा है मुगल वंश, पूरा पॉलिटी, पूरा इकोनॉमिक्स, जिस प्रकार से हमने SST का पूरा क्लास दिया है, अगर देखा है आपने, तो कुछ भी इसमें से आप गलत नहीं करने वाले हैं, सब मस्त तरीके से करेंगे। आधुनिक इतिहास हमने पढ़ा दिया, आपका जो आपका मिडेवल हिस्ट्री है वह सब हमने पढ़ाया, तो आप देखे होंगे तो अच्छा करेंगे, नहीं तो फिर उसे एक बार देख लें। अभी एग्जाम जो है आपका थर्ड सेमेस्टर का 28 से स्टार्ट होगा, 28, 30 और 2 को, ऐसे ही ना, तो इस प्रकार से एग्जाम चलेंगे, तो आप देख लें। अभी आपके पास 4-5 दिन का जो समय है उसको आप कवर कर लें अच्छे से। चलिए पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं, अति लघुत्तरी का पहला प्रश्न फटाफट चलेंगे। देखिए अच्छा, अति लघुत्तरी में कितने प्रश्न हैं इसमें राजन में, छोटे छोटे प्रश्न हैं, आराम से करेंगे एक एक, ठीक है ना। चलिए चलिए, काफ़ी ज़्यादा प्रश्न हैं लेकिन अति लघुत्तरी अभी पूरा कोशिश करेंगे ख़त्म हो जाए आपका, ठीक है। हाँ अच्छा, दीर्घोत्तरी आ गया, हाँ लघुत्तरी 197 प्रश्न है, तो कोशिश करेंगे कि ज़्यादातर कवर हो जाए और जो चीज़ें हम लोग देखे हैं जाने हैं फटाफट बताते चलेंगे, आप लोग सुनते चलिएगा बस, ठीक है। तो लघुत्तरी का पहला प्रश्न है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। देखिए फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुआ था सन 1664 में हुआ था। एक बात आपसे यहाँ से पूछा जाता है कि कौन से क्रम हैं आने की कंपनियों का, तो आपको पता है सबसे पहले आई थी पुर्तगाल कंपनी, फिर उसके बाद डच आई थी। कंपनी की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब उनके आगमन की बात करें, कंपनी बनाने में कंपनी की स्थापना का जो संरचना है अलग है और कंपनी मतलब वहाँ से जो यूरोपीय हैं आने का क्रम उनका अलग है। आने का जो क्रम है याद रखेंगे, सबसे पहले आपके कौन आए थे, पुर्तगाली आए थे। पुर्तगाल में आपको पता है वास्को डी गामा 1498 में सबसे पहले आता है, कहाँ पर आता है, कोची, मतलब कोची वाले जो हमारा केरल है, केरल के तट पर आता है, वहाँ पर राजा जयमोरिन उसका स्वागत करते हैं भव्य तरीके से। वो आता है तो बहुत सारे मसाले वगैरह की वैरायटी वगैरह चेक करता है और उसके बाद वह उसका टेस्ट करता है, मीट मांस पर लगाकर खाता है, उसे बहुत अच्छा लगता है, इस तरह से व्यापार करना स्टार्ट कर देता है। फिर अल्मीडा, फ्रांसीसी डो अल्मीडा, इस तरह बहुत सारे लोग आते हैं जो कि ब्लू पॉलिसी वगैरह, ब्लू वाटर पॉलिसी का स्थापना वगैरह किए थे, सब हम पढ़ा दिए हैं, आप लोग देखते चलिए। देखिए सबसे पहले आता है पुर्तगाली, फिर उसके बाद डच आते हैं, फिर उसके बाद आते हैं अंग्रेज, फिर उसके बाद डेनिस, डेनिस के बाद आते हैं, डेनिस नहीं पूछता उतना लेकिन आप याद रखेंगे डेनिस, डेनिस के बाद आ जाते हैं फ्रांस, सबसे बाद में ये आते हैं। इसके बाद एक और आता है लेकिन वह चीज़ नहीं पूछा जाता हमसे, याद रखें। ये तो आने का क्रम है लेकिन कंपनी में, कंपनी बनाने का क्रम है पुर्तगाल का सबसे पहले, फिर इसके बाद यह 1503 के आसपास में कंपनी बनाए थे पहला अपना। इसके बाद आ जाते हैं अंग्रेज, अंग्रेज कंपनी बनाते हैं, सबसे पहले इनका कंपनी स्टार्ट होता है सूरत में बनना, लेकिन पूरा कहाँ होता है याद रखेंगे, पूरा होता है इनका आपका जो नीचे होता है मतलब कि तमिलनाडु वाले इलाका में इनका एक कंपनी लगता है, वहाँ पर पूरा होता है। इसके बाद डच, फिर इसके बाद फ्रांस, यह बात याद रखेंगे। ये तो कंपनी लगाने का क्रम है या आने का क्रम है इनका, सबसे पहले यह, फिर यह, फिर यह, फिर यह, कंपनी लगाने में पुर्तगाल, अंग्रेज, डच, फ्रांस, डच और अंग्रेज में आप देख सकते हैं। इस प्रकार से पूछा गया है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो बता देंगे सन 1664 में हुआ था, सहकारी कंपनी थी उनकी याद रखेंगे भाई, है ना। उस समय पूरा का पूरा जो राजपाट था वो राजा के नियंत्रण में हुआ करता था। फ्रांसीसी का मुख्य उद्देश्य भारत में आकर व्यापार करना था मात्र, सारी कंपनियां जितनी थी सबका आकर व्यापार करना मात्र उद्देश्य था, लेकिन धीरे धीरे इनका हस्तक्षेप राजनीति में बढ़ने लगा और इस तरह धीरे धीरे भारत की पूरी सत्ता उनके हाथ में चली जाती, क्योंकि राजा जो होते हैं उनको एक तरह से वह अपने जाल में बिछा लेते हैं, है ना, उनकी सहायता करने के इरादे से या फिर उनको बहला फुसला कर उनकी जागीर को सुरक्षित रखने के को लेकर बहुत सारी चीज़ ये करते हैं, हम आपकी जागीर को सुरक्षित करेंगे, हम आपके राजपाट को सुरक्षित करेंगे, इस तरह से वह सैनिक अपना बढ़ाते गए और राजा को दबाते गए, है ना, बहुत सारे को पेंशन पर रख दिए इस तरह से। अगला प्रश्न, आसीरगढ़ का युद्ध कब हुआ था। भाई आसीरगढ़ का युद्ध हुआ था सन 1601 में हुआ था, अकबर द्वारा लड़ा गया था या अकबर का अंतिम लड़ाई था, याद रखेंगे भाई। पूछा जाता है अकबर का अंतिम लड़ाई कौन है, सन 1601 में लड़ा गया था, कौन सा लड़ाई है, आसीरगढ़ का लड़ाई है, आसीरगढ़ का, तो ये अकबर का अंतिम लड़ाई पूछा जाता है, अकबर का अंतिम लड़ाई पूछा जाता है, तो बताएंगे आसीरगढ़ की लड़ाई, आसीर
गढ़ आसिरगढ़ की लड़ाई कब हुई थी बता देंगे भैया, आसिरगढ़ की लड़ाई हुई थी सन 1601 ईस्वी में, ठीक है ना। अगला, प्लासी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था। प्लासी का युद्ध हमने कल भी जिक्र किया था, सन 1757 ईस्वी में, सन 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। हम डायरेक्ट बात करते हैं, ठीक है, ज़्यादातर अगर डिटेल में जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा, मतलब ओवर हो जाएगा टाइम। सन 1757 ईस्वी में हुआ था, साथ ही आपको पता है किसके किसके बीच में हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव यानी जो क्लाइव था और सिराजुद्दौला था, सिराजुद्दौला। यह पूरा का पूरा आपको पता है साथी, यह पूरा का पूरा एक तरह से लड़ाई नहीं था, मतलब कि इनको भला फुसला कर प्लासी में ले जाना और वहीं पर इनकी हत्या कर देना, जिससे कि दूर ले जाकर इनको मारेंगे तो इनके सैनिक भी नहीं आ सकेंगे, इस प्रकार से यह सारी चीज़ें थी ना। इसके बाद बक्सर का युद्ध सन 1764 में लड़ा गया था, तो आपसे पूछा जाता है कि किस युद्ध के बाद यह तय हो जाता है कि भारत पर पूरा का पूरा सत्ता अंग्रेजों को हो गया, तो बता देंगे भैया सन 1764 का युद्ध बक्सर की लड़ाई, जो बक्सर की लड़ाई है यह तय कर देता है कि अब भारत पर दूसरे किसी विदेशियों का मतलब यूरोपियों का सत्ता पूरा अच्छे तरीके से जम चुका है। अब आप देख सकते हैं 1764 से लेकर 1947 तक पूरा का पूरा इनका कार्यकाल था, समझ रहे हो ना। इसके बाद आ जाते हैं वांडीवास। देखिए वांडीवास की जो लड़ाई होती है फ्रांसीसी अंग्रेजों के बीच होती है, वांडीवास की जो लड़ाई होती है यह फ्रांस और अंग्रेज के बीच होता है। यह उत्तराधिकार की एक लड़ाई लड़ी जाती थी कर्नाटक में, मतलब एको कैनेटिक वार के नाम से भी जानते हैं हम लोग। तो यह उत्तराधिकार की लड़ाई यूरोप में लड़ा जा रहा था, प्लस यूएसए की कुछ घटना को लेकर घटनाक्रम को लेकर लड़ा जा रहा था। इसको बाद में देखने का यही परिणाम हमको देखने को मिल जाता है अपने इंडिया में भी, क्योंकि इंडिया में भी फ्रांसीसी कंपनी और अंग्रेज कंपनियां दो कंपनियां थी, दोनों एक दूसरे के टक्कर की थी। लेकिन बाद में यह तय हो जाता है कि अब भारत में कौन रहने वाला है, कौन असली ताकतवर है, तो यह तय होता है सन 1760 ईस्वी में वांडीवास की लड़ाई में। फ्रांसीसी का सफाया हो जाता है, अंग्रेज अपना फुल सत्ता स्थापित कर लेते हैं। इसके बाद आ जाते हैं भैया मुगल काल में कुछ साहित्य कृतियां हैं, याद कर लेंगे, अकबरनामा अबुल फजल द्वारा लिखा गया था, रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा, हुमायूं नामा गुलबदन बेगम उनकी बहन थी हजरत हुमायूं की, और गंगा लहरी पंडित जगन्नाथ द्वारा, याद कर लेते। बीबी का मकबरा नामक स्थान एवं राज्य कहाँ है तथा इसके निर्माणकर्ता कौन। भैया बीबी का मकबरा आपको पता है कि औरंगाबाद में है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है, और औरंगजेब ने बनाया था, किस मॉडल को देख के बनाया गया था, यह जो आपका ताजमहल है जो शाहजहां द्वारा बनाया गया था उसी मॉडल को देखकर ही अपनी बीवी के लिए बनवाता है सन 1679 ईस्वी में, क्योंकि 1707 ईस्वी में इसकी डेथ हो जाती है, ये बात आपको पता होना चाहिए। इसके बाद उत्तर मुगल काल स्टार्ट हो जाता है ना। इसके बाद आरामबाग की स्थापना किस शासक ने की थी। भाई आरामबाग की स्थापना बाबर ने किया था, आरामबाग उत्तर प्रदेश में स्थित है, सन 1526 ईस्वी में किया था बाबर ने, याद रखेंगे सन 1526 ईस्वी में, उसी समय उन्होंने एक तरह से पहली पानीपत की जो लड़ाई होती है इसी समय होता है। इसके बाद आ जाते हैं साथी शालीमार। देखिए भैया आरामबाग और शालीमार बाग दोनों के बहुत बार पूछा जाता है, जो शालीमार बाग है उसे जहांगीर ने बनाया था, शालीमार बाग जहांगीर द्वारा कैसे याद रखेंगे, शालीमार जहांगीर इस तरह से याद कर लीजिएगा, कोई तरीका नहीं है। और एक और तरीका याद करने का भी रट लो, सबसे बढ़िया है ऐसी चीज़ों को। और एक है आरामबाग में बा आ रहा है तो याद रखेंगे कौन बनाया था, भैया इसे बनाए थे आरामबाग को बाबर ने बनवाया था 1526 ईस्वी में। और जो शालीमार बाग है साथी, यह श्रीनगर में स्थित है जहांगीर द्वारा बनवाया गया था। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है, भाई बिहार के सासाराम में स्थित है, याद रखना है। शेर शाह के पुत्र का नाम क्या था, कौन बताएगा, लास्ट में मच्छीवाड़ा के युद्ध में हुमायूं से पराजित करता है 1555 ईस्वी में, ठीक है ना, जब 1554 में, मतलब 1555 में लड़ाई होता है, 1556 में मर जाता है सीढ़ियों से गिर के दिल्ली में, और शेर शाह के पुत्र द्वारा बनाया गया था, याद रखेंगे सासाराम। डच महल कहाँ स्थित है, भाई डच महल कौन बताएगा कहाँ स्थित है। डच महल केरल में स्थित है, जो इसके निर्माणकर्ता कौन थे बता सकते हैं, निर्माणकर्ता का नाम बता दीजिए, देख कर नहीं बताना भाई सभी को। पुराना किला कहाँ स्थित है, पुराना किला दिल्ली में स्थित है, याद रखेंगे, शेर शाह द्वारा बनाया गया था 1540 से 1544 के बीच में, क्योंकि 1545 के आसपास में उसकी डेथ हो गई थी अपने ही हाथों से, एक तरह से उक्का नाम का एक आग्नेय शास्त्र उसको चलाते समय उसकी डेथ हो जाती है। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है, भाई अकबर का मकबरा याद रखेंगे सिकंदराबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है, जहांगीर द्वारा बनाया गया था, ठीक है ना। जहांगीर महल अकबर का किला कहाँ स्थित है, जहांगीर महल यानी अकबर का किला जो है जहांगीर महल के नाम से जाना जाता था, कहाँ स्थित है, आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में स्थित है, भाई याद रखेंगे इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है, आगरा फोर्ट के नाम से उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में स्थित है, याद रखेंगे। शीश महल, खास महल, दीवाने खास, यह सब जो हैं जितने भी आपको पता है साथ ही, जितने भी पैलेस हैं, यह सब के सब शाहजहाँ द्वारा ही बनाया गया था, शाहजहाँ याद रखेंगे,
शाहगीर, अधिकतर जहांगीर हैं, लेकिन जहांगीर और शाहजहां द्वारा आप याद रखेंगे, लेकिन अगर देखा जाए साथी, नहीं नहीं शाहजहां द्वारा, हाँ सही बोले हमने, जितना भी अधिकतर पैलेस है जैसे कि ताजमहल हो गया, स्थापत्य कला के काल को ही तो कहते हैं शाहजहां का काल, तो शाहजहां के समय बहुत सारी चीज़ें बनाई गई थी, जो आपका जो आप धरना वरना करते हैं जंतर मंतर पर, वह सब के सब लगभग लगभग इसी के समय बना था। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में आहूत होती है? भैया साधारण विधेयक द्वारा आहूत होती हैं, और धन विधेयक पर कोई साधारण मतलब कि कोई एक तरह से मतलब कि दोनों को संगठन में नहीं बुलाया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि जब भी धन विधेयक होता है, धन विधेयक कहने वाले हमारे लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, हमेशा उन्हीं की पार्टी जीतेगी, है ना, ये चीज़ें पता होना चाहिए। भारत की जलवायु को क्या कहते हैं? भारत की जलवायु को उष्णकटिबंधी, है ना, याद रखें उष्णकटिबंधी मानसूनी जलवायु कहते हैं, क्योंकि भारत के बीचों बीच से करके रेखा गुजरता है। आपको पता है भारत के कितने राज्यों से करके रेखा होकर गुजरती है, तो आपको पता होना चाहिए पहले आपका गुजरात, फिर राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के बाद बता दीजिए पश्चिम बंगाल, और आपके पश्चिम बंगाल के बाद आ जाता है आपका त्रिपुरा, मिजोरम, एक छूट रहा है क्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक छूट रहा है कोई, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बताइए छत्तीसगढ़ होगा कि झारखंड होगा, क्या होगा, छत्तीसगढ़ होगा, यहाँ पर लिख लीजिएगा छत्तीसगढ़, इसके बाद आपका वेस्ट बंगाल, इसके बाद त्रिपुरा, मिजोरम, यह सारी चीज़ें हैं सात राज्यों से होके, एक मिनट, आठ है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, यह सब है, आठ राज्यों से गुजरता है भाई, ये चीज़ याद रखेंगे। इसके बाद आ जाता है भाई भारत में सिंचाई के साधन का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। भाई आप बता देंगे भारत में सिंचाई के साधन से अगर देखा जाए 100% तो नलकूपों से जो कुआं से सिंचाई होता है 61% होता है, और जो तालाब से होता है, जो देखिए सबसे ज़्यादा तालाब से जो कुआं से सिंचाई होता है उत्तर प्रदेश में भी होता है, इस बात को भी याद रखेंगे। तो कुआं व नलकूप से जो सिंचाई होता है 61% होता है 100% में, तालाब द्वारा 3% मात्र सिंचित है, उसके बाद नहर द्वारा तो कहेंगे तो 24% और अन्य स्रोत 11%, ये याद रख लेंगे। विश्व का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाला देश कौन सा? भैया चीन है, 21% सिंचित वाला देश है, याद रखेंगे, और भारत है 20.2% के आसपास में, याद रखेंगे। वर्तमान समय में सिंचाई के प्रमुख साधन बताइए। भैया कुआं है, नलकूप है, नहर है, यही सब है, याद रखेंगे, आप लिख लेंगे, ट्यूबवेल भी है, लिख सकते हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने भाग पर कृषि होता है? भैया भारत के कुल क्षेत्रफल पर देखा जाए तो 59% कृषि होता है, लेकिन आप 59 नहीं याद रखेंगे, आप 50 से थोड़ा सा ज़्यादा 52% 51% याद रखेंगे, यही लिखेंगे, ठीक है ना, लेकिन 59% भाग पे कृषि करने योग्य है सारी चीज़ें, तो याद रखेंगे, मतलब 52 और 51 होता है, मतलब फुल तरीके से होता है इस पर। अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? अभ्रक उत्पादन में भारत विश्व में सबसे पहला स्थान, अग्रणी राज्य के नाम से जाना जाता है, याद रखें, अभ्रक मतलब कि एक तरह से सीसा जो होता है, ये राजस्थान वाले बेल्ट से काफ़ी ज़्यादा होता है, जहाँ से आपको टाइल्स वगैरह मिलते हैं, है ना, अनेक पत्थर मिलते हैं, जो ताजमहल में पत्थर लगा हुआ है वाइट वाला, वह राजस्थान से ही आया हुआ है, चुनार हमारे इलाहाबाद के जाते समय पड़ता है। भारत में तांबा उत्पादन में प्रथम तीन राज्य कौन से हैं? भारत में तांबा उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान है, फिर झारखंड है, याद रखेंगे, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड। जस्ता उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा? भैया राजस्थान है, जस्ता उत्पादन में, याद रखेंगे। कोयला उत्पादन में भारत के प्रथम तीन राज्य क्रमशः हैं झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। कोयला उत्पादन में झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ये तीनों याद रखेंगे, ठीक है। सबसे प्रथम श्रेणी का कोयला कौन सा होता है? भैया चार प्रकार के कोयला होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, इसके बाद पीट, सबसे अच्छा होता है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट मात्र भारत में एक ही राज्य में पाया जाता है, मात्र 2 से 1% पाया जाता है उत्तर जम्मू कश्मीर में। उसके बाद भारत में सबसे ज़्यादा जो किस प्रकार का कोयला पाया जाता है, द्वितीय उच्च कोटि वाला, यानी कि लिग्नाइट, बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है काफ़ी ज़्यादा, जो उड़ीसा वाला बेल्ट है ना पूरा का पूरा इधर वाला। स्वर्ण उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा? भैया स्वर्ण उत्पादन में कर्नाटक प्रथम स्थान पर है 98%। कोलार खान आपने सुना होगा, है ना, कोलार और पन्ना में तो हीरा पाया जाता है, मध्य प्रदेश में है। कोलार जो है आपका कर्नाटक में पड़ता है, वहाँ से पाया जाता है स्वर्ण, याद रखेंगे। पेट्रोलियम उत्पादन करने वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं? बता देंगे भाई, सुरमा घाटी है, डिगबोई है सबसे पुराना असम में, फिर मुंबई हाई है, यह सब क्या है, फिर खंबात की खाड़ी है, अंकलेश्वर गुजरात में पड़ जाता है, महाराष्ट्र में मुंबई हाई पड़ जाता है, ये सब याद रख लेंगे भाई। सबसे पुराना डिगबोई असम में। भारत में सबसे अधिक सड़कों वाला राज्य कौन सा? भाई महाराष्ट्र है, याद रखेंगे। अगर पूछा जाए तो सड़कों के जाल वाला भारत में कौन सा राज्य है, तो महाराष्ट्र है। भारत में पक्की सड़कों वाला राज्य कौन सा है अग्रणी? तो भैया महाराष्ट्र ही है, याद रखेंगे।
भारत में सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम बताएंगे भैया, अब बदल गया है लेकिन आपका डाटा जो है वही याद रखेंगे। सबसे बड़ा सबसे बड़े की बात करेगा तो 7 और सबसे छोटे की बात करेगा 47A। जो 47A है ये केरल में पड़ जाता है, अब शायद असम का कोई छोटा सा हो गया मात्र 6 किलोमीटर का। इसके बाद जो आपका बड़ा है वह नेशनल हाईवे 44 हो गया है ना, 42 यह हो गया, जो कि कन्याकुमारी से मतलब कि कन्याकुमारी से ऊपर नीचे से लेकर जम्मू कश्मीर तक जाता है, श्रीनगर तक। भारत के प्रमुख निर्यात कौन कौन है? भारत के प्रमुख निर्यात भाई सूती वस्त्र है, चाय है, जूट है, ये सब भारत के प्रमुख निर्यात हैं। सूती वस्त्र सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, जूट सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? सूती वस्त्र की बात करेगा तो सबसे ज़्यादा बताएंगे महाराष्ट्र और गुजरात में, और जूट की बात करेगा तो पश्चिम बंगाल बताएंगे भाई, ठीक है ना। चाय की बात करेगा तो असम बताएंगे, कॉफ़ी की बात करेगा तो कर्नाटक बताएंगे, मसाले की बात करेगा तो केरल बताएंगे, इस बात का याद रखना है। भारत का सर्वाधिक व्यापार किस देश के साथ होता है? भारत का सर्वाधिक व्यापार इस समय भी देखेंगे तो संयुक्त राज्य अमेरिका भी है, और आपने वही लिखा भी है, ठीक है ना भाई। WTO का पूरा नाम क्या है? WTO का मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है जिनेवा में है, याद रखेंगे भाई। विश्व व्यापार संगठन, कंगारुओं का देश किसे कहते हैं भाई? ऑस्ट्रेलिया, जिंदाबाद। विश्व प्रसिद्ध पिरामिड कहाँ स्थित है? विश्व प्रसिद्ध पिरामिड मिस्र में, मिस्र में पिरामिडों का देश कहा जाता है भाई, वहाँ पे जो मिस्रवासी थे बहुत ज़्यादा पिरामिड मतलब बहुत अजीबोगरीब पिरामिड वहाँ पे बना हुआ है, आप देख सकते हैं। दुनिया की छत किसे कहा जाता है भैया? तिब्बत के पठार को हम क्या कहते हैं? दुनिया का छत कहते हैं, सभी को पता होगा तिब्बत के पठार। हमारे यहाँ कौन सा पठार स्थित है बताइए, कौन सा स्थित है जिसे हम भारत का रूर कहते हैं? बता सकते हैं तो बता दीजिए, जो छत्तीसगढ़ झारखंड वाले बेल्ट में है, फटाफट बता दीजिए, अभी लास्ट में आएगा तो बता देते हैं। यूरेशिया से आप क्या समझते हैं भैया? यूरेशिया जो है यूरोप और एशिया को जोड़ने वाला एक पहाड़ी इलाका है। यूरेशिया पर ही घास के मैदान एक पाए जाते हैं, स्टेपिस, जो कि टैपिंग कर देता है यूरेशिया मतलब यूरोप को और भारत को, सॉरी यूरोप को और एशिया को, ठीक है, याद रखेंगे। यूरेशिया एक तरह से पर्वत है भाई, महाद्वीप है, है ना, एक तरह से कह लीजिए कि जब दोनों मतलब कि जो हमारे बड़े बड़े पठार जो बड़े बड़े चट्टान के रूप में थे, दोनों सटे थे, जब लड़े थे, जिस प्रकार से हिमालय बना हुआ है, हिमालय की उत्पत्ति की हमने वीडियो बना रखी है, आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, अभी कम समय है लेकिन मत देखिए, जब आएगा सुपर टेट वगैरह तो उसे देखना स्टार्ट करिएगा, बस पढ़ते चलिए आप लोग जो फैक्ट बताया जा रहा है डायरेक्ट। विश्व की सबसे ऊँची चोटी कौन सी भाई? विश्व की क्या, पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो जो हम आपका हिमालय है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, तो ट्रांस हिमालय में आ जाता है। जो आपका हिमालय है, सबसे पहले बृहत हिमालय, फिर आपका लघु हिमालय, फिर उसके बाद आपका शिवालिक हिमालय, ये तीनों क्रम से हिमालय हैं। तो जो आपका बृहत हिमालय है उस पर कम से कम नहीं तो 10 ऐसी चोटियाँ हैं जो कि एवरेजली 8,000 के आसपास में हैं, लेकिन अगर सारी बृहत हिमालय की सारी चोटियों को एवरेस्ट निकाला जाए तो 6,000 प्लस में ही आएंगे। इस प्रकार से सागरमाथा जो कि नेपाल में कहा जाता है, एवरेस्ट जो भारत में कहा जाता है, एवरेस्ट है पूरे विश्व का सबसे बड़ा चोटी, जो 8,000 कितना उसकी लंबाई है, 8,848.84 सेंटीमीटर, 8,848.84 मीटर के आसपास में है। अगर पूछा जाता है पूरे भारत में सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए, भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो K2 गाडविन आस्टीन बता देंगे कितना है, 8,611 है। लेकिन अगर पूछा जाता है भैया ये पाकिस्तान POP वाले में पड़ता है, लेकिन पूछा जाता है पूरी तरीके से भारत में स्थित कौन सी है सबसे ऊंची चोटी, तो बता देंगे सिक्किम में स्थित है कंचनजंगा जो कि 8,599 किलोमीटर के आसपास में है, यह भी मीटर में है, 8,611 है या 8,599 है या 8,848.84 मीटर है, इस बात को याद रखेंगे भाई। अगला आ जाते हैं प्रवाल भित्ति किसे कहते हैं भाई? प्रवाल भित्ति सबसे बड़ा जो प्रवाल देखिए मूंगे से बनता है, यह मूंगे के मूंगा होता है, मूंगा एक जीव होता है जो कि पानी में पाया जाता है, जो देखते हैं लोग अंगूठी में सजा के पहनते हैं, मूंगा होता है, वह एक तरह से जीव होता है, जब वो मर जाता है तो उसके खोल बनाते बनाते मतलब उसके और जो मित्र होते हैं जो मूंगा होते हैं उस पे खोल उसके खोल पे अपना जीवन यापन करने लगते हैं। इस प्रकार से मूंगा बहुत दूर दूर तक फैल जाता है, बहुत बड़ा रूप में जब फैल जाता है तो वही आइलैंड का रूप ले लेता है, जिस प्रकार से मालदीव है, मेडागास्कर है, हिंद महासागर में जो द्वीप हैं कई सारे, यह सब द्वीप बन के उभर जाते हैं, उस पर लोग रहने लगते हैं। जैसे कि सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति कहाँ पर है तो बता देंगे ऑस्ट्रेलिया के, अगर देखा जाए ऑस्ट्रेलिया बनाया जाए, एक मिनट इरेज करने दीजिए हमको, ऑस्ट्रेलिया के इधर है बता रहे हैं आपको, देखिए ऑस्ट्रेलिया अगर बनाया जाए साथी इस प्रकार से देख लीजिएगा भाई, ऐसे बना है और यहाँ पे इस प्रकार से ऐसे ऑस्ट्रेलिया बना है, तो ऑस्ट्रेलिया के इस साइड वाले पे यानी कि अगर हम देखें इधर नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, तो इस साइड यानी कि नॉर्थ ईस्ट में प्रवाल भित्ति सबसे बड़ा स्थित है, ठीक है ना। यह सबसे बड़ा प्रशांत महासागर में भी स्थित है, याद रखेंगे, बस लिख देंगे प्रवाल भित्ति क्या होता है, तो बता देंगे छिछले समुद्र में एक छोटा जीव होता है जो कि मर जाता है तो उसके खोल भी बहुत सारे जीव मतलब
अपनी आ जाती हैं बनाने के लिए। सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति जो कि स्थित है भैया ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में, ये सारी बातें लिख देंगे पूरा अच्छा नंबर मिलेगा भाई। ये किस सागर में स्थित है, महासागर में, तो प्रशांत महासागर में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति किस महासागर में, या प्रशांत महासागर में। मर्रे और डार्लिंग नदी कहाँ पर बहती है, ऑस्ट्रेलिया में, इस साइड बढ़ती है, इस साइड, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया स्थित है भैया। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे पूरा का पूरा इसे बोला जाता है दूसरे नाम से, इसमें 5-6 प्रांत होते हैं इस तरह। यहाँ पर पूरा का पूरा कह लीजिए कि बलुई वाला क्षेत्र है इसका, मतलब यहाँ पर पूरा का पूरा कह लीजिए कि मरुस्थल पाए जाते हैं, और यहाँ पर पहाड़ी स्थित है जो कि इधर की हवाएं इधर नहीं आ पाती हैं, तो मौसमी बारिश इधर ही हो पाती है, इधर नहीं हो पाती, इस वजह से इधर का सूखा प्रदेश पड़ गया है। यहीं पर स्थित है मल्ले और डार्लिंग नदी, दो नदियाँ हैं जो कि मिलकर बनाती हैं मर्रे डार्लिंग, सबसे बड़ी नदी है यहाँ के, बता देंगे मर्रे डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। मेडागास्कर के पठार के बारे में आप क्या समझते हैं, देखिए मेडागास्कर द्वीप जो है अफ्रीका का द्वीप है, वो भी हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। हिंद महासागर का सबसे छोटा द्वीप बता देंगे मालदीव है, मालदीव का कैपिटल मजलिस है, क्या है भैया बता देंगे माले, माल मजलिस उसका संसद का नाम है। और जो मेडागास्कर है, मेडागास्कर कैपिटल का नाम बताइएगा, मेडागास्कर हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है, इस बात को याद रखेंगे भाई। मेडागास्कर द्वीप अफ्रीका में स्थित है और अफ्रीका के दक्षिण पूर्व में, हाँ इस साइड स्थित है, ऐसे ऐसे आ जाता है, दक्षिण पूर्व में स्थित है। यह द्वीप के मध्यवर्ती भाग पठारी हैं, ठीक है, मेडागास्कर एक पठार कहा जाता है। टाइगा वन किसे कहते हैं, टाइगा वन सदाबहार वन भी कहा जाता है, टाइगा वन को सदाबहार भी वन कहा जाता है। इनके वृक्ष जो होते हैं पत्तियाँ एक तरह से नुकीली होते हैं, टाइगा वन जो कि ठंडे ठंडे एक तरह से कह लीजिए कि गर्म प्रदेश में ज़्यादातर पाए जाते हैं, जैसे राजस्थान वगैरह में देखते हुए कांटा वाला पत्ती होती है ना एक जगह, हमारा क्या बोलते हैं उसको, कनेल, कनेल नहीं, जो एक रेड़ वाला आता नहीं है उस पर कांटा निकला होता है, वह चीज़ें वैसे ही यहाँ पर पाए जाते हैं। टुंड्रा वन किसे कहते हैं भाई, टुंड्रा वन बर्फ से ढका हो रहता है, साथी पूरा का पूरा बर्फ से ढका रहता है टुंड्रा वन। टाइगा वन अलग है, टाइगा वन थार मरुस्थल वाले इलाके में, लेकिन टुंड्रा वन बता देंगे भैया बर्फ वाले स्थान पाए जाते हैं। गर्मी में यहाँ मॉस तथा लाइकेन उगते हैं, मॉस तथा लाइकेन एक प्रकार के पौधे हैं, ठीक है। भारत का सबसे ऊँचा पर्वत शिखर भैया केटू गाड़विनाशी, हमने बताया 8611, अभी तो लिखा था आपके सामने, कहाँ लिखा, आइए आप लिखिए 8611, भारत का पूछा जाए तब, लेकिन पूछा जाए पूरी तरीके से भारत में स्थित तो बता देंगे भैया कहाँ गया, एक और लिखे थे ना 8599 कंचनजंगा जो सिक्किम में स्थित है। भारत में संचार के दो साधनों के नाम लिखिए भाई, बहुत सारे हैं, समाचार पत्र हैं, मोबाइल वगैरह आ गया है, बहुत सारी चीज़ें हैं, टेलीफोन, दूरदर्शन, बहुत सारी चीज़ें हैं। राज्यसभा तथा लोकसभा के सदस्यों की आयु की सीमा बता दीजिए, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनकी आयु सीमा 30 वर्ष होती है, और लोकसभा के सदस्यों की आयु 25 वर्ष होती है, याद रखेंगे साथी, ये बात हमने कल ही बताया था आपको, आज फिर से बता रहे हैं, ठीक है। संसद का कौन सा सदन अस्थायी होता है जिसको भंग नहीं किया जा सकता, संसद का राज्यसभा होता है, इसे बूढ़ों का सदन कहा जाता है, उच्च सदन कहा जाता है, इसके मेंबर देखा जाए तो मैक्सिमम 250 हैं, 12 खेल क्षेत्र यानी मनोरंजन के फील्ड से हैं जो कि राष्ट्रपति तय करता है, राष्ट्रपति उनको मनोनीत करता है हमारे पीएनपी मतलब कि पीएम के सलाह पर। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, भैया संयुक्त अधिवेशन बुलाने का काम राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन उसका आयुक्त करने का काम मतलब उसका अध्यक्षता करने का काम लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, याद रखेंगे, ठीक है ना। अच्छा किस में स्थित है, 148 में स्थित है क्या बताना, संयुक्त अधिवेशन किस में स्थित है, 148 में स्थित है क्या बताना जरा, 148 अनुच्छेद की बात करें भाई। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा किन किन स्थितियों में बुलाया जा सकता है, भैया 3-4 स्थिति हैं याद रखेंगे। जब भी दूसरे सदन द्वारा मतलब कोई बिल होता है जो कि पहले सदन में यानी कि लोकसभा में पारित हो जाता है, दूसरे सदन में नहीं पारित होता है, तो उसको पूर्ण बहुमति से पारित कराने के लिए दोनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। विधेयक पर कल चर्चा करने के लिए हो सकता है, कोई संशोधन हो रहा है संविधान संशोधन, उसमें बहुत बहस छिड़ गया, अब एक सदन द्वारा पास हो गया दूसरे सदन द्वारा नहीं पास हो रहा है, तो इस कंडीशन में भी बुलाया जाता है। दूसरे सदन को विधेयक प्राप्त होने को तारीख से उसके द्वारा विधेयक पारित किए जाने 6 माह से अधिक बीत गए हों, जैसे कि कोई विधेयक पारित हो रहा है और 6 महीने लग गए दूसरे सदन नहीं पारित कर रहा है, तो उसके लिए भी एक तरह से अधिवेशन संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं राष्ट्रपति। तो 3 कंडीशन हमने बताया, एक तो संशोधन करने के लिए, कोई बिल पारित कराने के लिए, जब कोई बिल बहुत लंबा समय खींच जा रहा है तो उसको भी पारित कराने के लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, हमारे लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, इस बात को याद रखना भाई। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है, देखिए प्रश्न आ गया, ठीक है याद रखेंगे। क्या धन विधेयक के संबंध में लोकसभा का निर्णय अंतिम होता है, जी हाँ लोकसभा का निर्णय अंतिम होता है, लेकिन वह राज्यसभा को 14 दिन के लिए कि भैया अपना एक तरह से कुछ राय मशवरा देना हो दे दो, ना देना हो तब भी मत दो, कोई दिक्कत नहीं, हम पास करा ले जाएंगे। क्या धन विधेयक में के संबंध में संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था की जा सकती है, केवल एकमात्र ही ऐसा अधिवेशन है जो संयुक्त अधिवेशन है, इसी के विषय पर नहीं हो सकता, धन विधेयक के विषय पर नहीं बुलाया जा सकता, क्योंकि उस पर निर्णय लेने का काम सिर्फ लोकसभा के अध्यक्ष का है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, जीवी मावलंकर थे। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष महिला अध्यक्ष कौन थी, मीरा कुमार थी, याद रखेंगे मीरा कुमार, याद रखेंगे भाई। प्रथम वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय भैया, अब 25 हो चुके हैं, इसमें 24 लिखा है लेकिन आप 25 लिख कर आएंगे, याद रखेंगे विशाखापट्टनम वाला जो था, सॉरी यह
क्या नाम है, आंध्र प्रदेश में अमरावती है ना, पहले हैदराबाद था, अब अमरावती भी बन चुका है, यानी 25 अब हो चुके हैं हाई कोर्ट, याद रखेंगे। इसमें 24 लिखा है लेकिन आप 24 नहीं, उसको संशोधित करके आप 25 लिखेंगे, ठीक है ना। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद की योग्यता क्या होती है भैया, वो भारत का नागरिक होगा, उसकी मैक्सिमम आयु जो होती है 62 वर्ष होती है, अभी कार्यकाल कौन है, उच्चतम न्यायालय है, अच्छा उच्च न्यायालय है, तो 5 साल का होता है, ठीक है ना, जो पूरा हो जाए पहले। आयकर किसे कहते हैं भाई, आयकर एक प्रत्यक्ष कर है, याद रखेंगे, जो कि 1950 से लगाया गया था। आयकर व्यक्तियों पर लगाया जाता है, है ना, व्यक्ति जो व्यक्ति आय मतलब जिनका आय बहुत ज़्यादा होता है उन पर लगाया जाता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा पैसे कमाने वाले लोग। प्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं, प्रत्यक्ष कर का मतलब जो कि डायरेक्ट लगाया जाए, मतलब कि एक तरह से कह लीजिए कि जिसको वही व्यक्ति देता है जिस पर लगाया जाता है, ठीक है, आयकर हो गया, निगम कर हो गया, भूमि कर हो गया, जिस पर लगाया जाता है सिर्फ वही देता है। अप्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं, अप्रत्यक्ष कर मतलब दूसरे व्यक्ति पर टाला जा सकता है कि भाई हम नहीं यह देंगे, है ना, सीमा शुल्क हो गया, व्यापार कर हो गया, जैसे हमारे वाहन से जा रहे हैं एक राज्य से दूसरे राज्य में, और कोई राज्य हमको रोक लिया, राज्य का कोई पुलिस है वहाँ का रोक लिया, रोकने के बाद हमसे लेने लगा, लेकिन हम दूसरे पर टाल देंगे, भाई हमारे मालिक ये हैं आप इनसे लीजिए। आयकर किसके द्वारा लगाया जाता है, भाई आयकर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है, ये बात याद रखेंगे। अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण क्या क्या है, मनोरंजन कर है, व्यापार कर है, भूमि कर है, उत्पादन कर है, ये सब अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। मनोरंजन कर का उदाहरण क्या है, अप्रत्यक्ष कर है, मनोरंजन कर जो है अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। कई एक ही प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, केंद्र सरकार के आय का स्रोत क्या होता है भैया, केंद्र सरकार के आय का स्रोत होता है जो हम लोग टैक्स देते हैं, आय कर हो गया, निगम कर हो गया, यह सब हो गया, सीमा कर हो गया, सीमा शुल्क जो हो गया, इसके बाद उपहार कर हो गया, यह सब, ठीक है ना। अब तो उपहार कर शायद बंद कर दिया गया। भारत में उपराष्ट्रपति को किस सदन, देखिए इसमें मिट गया है, इरेज हो गया है किसी कारणवश, तो जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं उनको कहा जाता है भैया, या किसी भी मतलब कि राज्यसभा के सदस्य न रहते हुए भी सभापति बने हुए होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, इनकी वोटिंग नहीं होती है, या किसी भी बिल पर वोटिंग नहीं करते हैं, हाँ फाइनल वोटिंग किया जाता है इनके द्वारा, जब मामला फंस जाता है 50-50 का हो जाता है, तो इनके द्वारा वोटिंग करके उसको उस पक्ष को जिताया जाता है जो पक्ष निर्णायक होता है, ठीक है ना। अगला सदन एक मिनट, वित्त विधेयक तथा साधारण विधेयक में अंतर बताइए भैया। देखिए वित्त विधेयक केवल लोकसभा में पारित किया जा सकता है, और जो साधारण विधेयक होता है वो संसद के किसी भी सदन द्वारा प्रस्तावित किया जा सकता है, ये बात आ देंगे। वित्त विधेयक केवल लोकसभा में, और जो साधारण विधेयक होता है वो किसी भी संसद के किसी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है, ठीक है भाई। अगला, उच्चतम न्यायालय अपने अपीली अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत किन तीन प्रकार के मुकदमे सुन सकता है भैया। उच्चतम जो न्यायालय होता है वो दीवानी मुकदमे सुन सकता है, फौजदारी मुकदमे और राजस्व मुकदमे, तीन ही मुकदमा सुन सकता है। राज्यसभा धन विधेयक को कितने समय तक अपने पास रोके रख सकता है भाई, 14 दिन तक रोके रख सकता है, अन्यथा कंडीशन में उसे पारित मान लिया जाता है। त्रिशंकु लोकसभा में आप क्या समझते हैं, त्रिशंकु लोकसभा से आप क्या समझते हैं, त्रिशंकु लोकसभा से आप क्या समझते हैं बता देंगे। यदि सामान्य निर्वाचन में किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त होता है तो वह क्या करता है, त्रिशंकु लोकसभा उसे कहा जाता है। मान लीजिए कोई बहुत सारी पार्टियां हैं, आप देख ही रहे हैं, जैसे कि बिहार में देख लीजिए, नीतीश जी का है प्लस बीजेपी का अच्छा पार्टी है, तो वहाँ नीतीश से गठबंधन करके बनाया गया, इस तरह से गठबंधन ही होता है त्रिशंकु का मतलब, यह समझ लीजिए, आप समझ गए होंगे। लिखना है अपने मन से लिखिएगा मस्त तरीके से, बस सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखिएगा भाई। योजना आयोग के स्थान पर गठित नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होगा भैया, देखिए अध्यक्ष की बात करेंगे तो हमारे माननीय पीएमजी ही होते हैं, चाहे नीति आयोग हो चाहे योजना आयोग था। तो योजना आयोग 1950 से लगा था और 2017 में 12वां योजना आयोग था वो खत्म हो गया था, उसके बाद 1 जनवरी 2015 से स्टार्ट हो जाता है आपका नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म है नीति का, याद रखेंगे। मंत्रिपरिषद के बारे में बताइए भैया, मंत्रिपरिषद अनुच्छेद नंबर 74 में है। मंत्रिपरिषद जो गठित होता है वह जो उसके सदस्य गठित होते हैं वह प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति गठन करते हैं, याद रखेंगे। मंत्रिपरिषद ही एक तरह से सलाह देने का सलाह मतलब कि एक तरह से जो भी रूल रेगुलेशन होता है वही फॉलो कराते हैं, ये बात लिख देंगे। मंत्रिपरिषद का प्रधान जो होता है प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ये बात भी याद रखेंगे। मंत्रिमंडल का निर्माण कैसे होता है, प्रधानमंत्री तथा कैबिनेट मंत्रियों को मिलाकर मंत्रिमंडल का निर्माण होता है, यह बातें हमने बहुत डिटेल में बताया है भैया, आप देख लेंगे, छोटे छोटे लेक्चर है, रिवाइज कर डालिए फटाफट, ठीक है। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के बिना सलाह के लोकसभा नहीं बंद कर सकते, भंग कर सकते। लोकसभा भंग करने का जो अनुच्छेद 108 है, याद रख लीजिए 108, ठीक है ना भाई। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर, हो गया भैया। मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने की शर्तें क्या है, मंत्रिपरिषद के सदस्य बनने के लिए देखिए पहली बात है, मंत्रिपरिषद के अगर सदस्य बनते हैं आप, तो अगर मान लीजिए आप किसी भी सदन में आपको पूर्ण बहुमत नहीं मिला, जिस प्रकार से केशव प्रसाद मौर्य जी जो डिप्टी सीएम हैं आपके यूपी के, तो अगर अगर देखा जाए, अगर वह आपके ब्रिजेश पाठक भी हैं, इस बार दो डिप्टी सीएम हैं आपको बताना चाहिए यूपी के, तो साथ ही अगर आप मान लीजिए कि मंत्रिपरिषद में नहीं मतलब एक तरह से बहुमत नहीं मिल पाता आपको, तो 6 महीने कम से कम आपको दिया जाता है मौका कि आप चाहे विधान परिषद में चाहे विधानसभा में अगर आप
यूपी से मतलब एक तरह से राज्य से जुड़े हैं, तो जिस राज्य में विधान परिषद है तो ठीक है, नहीं तो विधानसभा से आपको 6 महीने के अंदर अंदर पूर्ण बहुमत ले लेना है, और दूसरी मतलब एक सीट अपनी बना लेनी है। अगर लोकसभा राज्यसभा में ऐसा होता है तो वहाँ पे दोनों सदनों में से किसी एक सदन में आप जो है 6 महीने के अंदर अंदर अपना एक तरह सीट कवर कर लेंगे, अन्यथा कंडीशन में आपको बाहर कर दिया जाएगा, चाहे आप सीएम ही क्यों ना हो। ठीक है ना, यह रूल है, इसको फॉलो करना पड़ जाता है। अगला कहाँ गया भाई, कहाँ थे हम लोग, हाँ मंत्रिमंडल का निर्माण कैसे होता है भैया। मंत्रिमंडल का जो निर्माण होता है कैबिनेट मंत्री को मिलाकर मंत्रिमंडल का निर्माण, प्रधानमंत्री तथा कैबिनेट मंत्री जो होते हैं जिसे किचन मिनिस्टर के नाम से जाना जाता था पहले, उन दोनों को मिला के होता है। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर लोकसभा भंग कर सकते हैं, प्रधानमंत्री की सलाह पर। ठीक है भैया, मंत्रिपरिषद किसे कहते हैं हमने बता दिया। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, हमने बता दिया भाई 6 वर्ष का होता है। हर दो साल पर कितने सदस्य हटते हैं भाई बता देंगे, कितने सदस्य हटते हैं हर दो साल पर, चयन होते हैं करीब देखिए 1/4 कितना होते हैं, 1/10, 1/10 सदस्य के 1/6, सॉरी देखिए इसको थोड़ा देखिएगा, 1/6 सदस्य को हटाया जाता है क्या हर दो साल पे, हटते भी हैं हाँ 1/6 सदस्य को, 1/6 सदस्य जो होते हैं वहाँ पे हर साल चयन, हर दो साल पे चयन होते हैं और अपना पद भी त्यागते हैं, यह कभी विघटित नहीं होता है राज्यसभा। ठीक है भाई, देखिए भाई अब आ गया घास के उसके मैदान, बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़िए। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। मंत्रिपरिषद संसद के किस सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं, मंत्रिपरिषद जो होता है संसद के कलेजे की लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा भैया, एवरेस्ट, जो कि नेपाल में स्थित है, इसे नेपाल में सागरमाथा के नाम से जानते हैं, कंचन उसी को तिब्बत में किसी और नाम से जानते हैं भाई, देखिए 3 नाम उसका है याद रखेंगे। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत बता दिया गया भैया। पंपास कहाँ स्थित है भैया, पंपास अर्जेंटीना में स्थित है याद रखेंगे भाई, पंपास अर्जेंटीना है, जो कि दक्षिण अमेरिका के बिल्कुल नीचे का एक कह लीजिए देश है, यानी याद रखेंगे एक तरह से कह लीजिए कि एक और है ना प्रेरीज घास के मैदान, प्रेरीज घास के मैदान उत्तरी अमेरिका में स्थित है और अफ्रीका में घास के मैदान स्थित है, साथ ही अफ्रीका में स्थित है बताते हैं अभी आता है, बहुत हमने बना रखा है आप देख सकते हैं। विश्व में सबसे गहरी झील कौन सा, बैकाल झील है, जो कि एशिया में स्थित है, वो भी एशिया के किस देश में, रूस में, जो आपका साइबेरियन वाला इलाका है उधर। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, पामीर का पठार, तिब्बत का पठार जिसे कहते हैं महावीर का पठार, उसे पूरे विश्व का छत कहते हैं याद रखेंगे। यूरोप में प्रायद्वीपों का महाद्वीप क्यों कहा जाता है, यूरोप को प्रायद्वीपों का महाद्वीप क्यों कहा जाता है, क्योंकि यूरोप के अधिकांश देश को 3 ओर से सागरों द्वारा घेरा गया है याद रखेंगे भाई। यूरोप के खेल का मैदान क्या है, स्विट्जरलैंड देश जो है यूरोप के खेल के मैदान को कहते हैं, यूरोप का खेल का मैदान स्विट्जरलैंड को कहते हैं। यूरोप का भारत किसे कहता है भैया, इटली को कहते हैं, क्योंकि इटली में पो नदी बहती है, इटली में वैसे ही एक तरह से पहाड़ियाँ स्थित हैं जिस प्रकार से हमारे उत्तर में भारत में हिमालय स्थित है, उसी प्रकार से वहाँ पर खेती बहुत अच्छी खासी होती है, वह सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं ज़्यादातर खेती में, और वहाँ पर पो नदी बहती है जिस प्रकार से हमारी गंगा बहती है याद रखेंगे भाई। अगर कहा जाता है कि यूरोप की गंगा किसे कहते हैं, तो पो नदी को कहते हैं। यूरोप का भारत किसे कहते हैं भैया, इटली को कहते हैं याद रखना है। सूरा और सुंदरियों का देश कौन है भैया, फ्रांस है, फ्रांस का कैपिटल पेरिस याद रखेंगे भाई। ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने किया था भैया, ऑस्ट्रेलिया खोज एबेल तस्मान ने किया था, एबेल तस्मान, तस्मानिया सी उसी जगह देखने को मिल जाता है हमको याद रखेंगे। एक तरह से कुक जल संधि भी हमारा न्यूजीलैंड में पड़ता है, उसी के जस्ट नीचे। ठीक है भाई, अर्जेंटीना है कि न्यूजीलैंड है देख लेना, न्यूजीलैंड है। ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने किया था भैया बता देंगे, एबेल तस्मान और कप्तान कुक के नाम से ही कुक स्टेट पड़ा है याद रखेंगे। विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल भैया सहारा मरुस्थल है, जो कि 84,00,000 वर्ग किलोमीटर तक फैला है अफ्रीका के नॉर्थ वेस्ट में। अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को सवाना कहते हैं याद आ गया भैया, सवाना कहते हैं, यह उष्णकटिबंधीय एक तरह से कह लीजिए शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान अफ्रीका का है, और अफ्रीका में शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं दक्षिण अफ्रीका में, वेल्ड के नाम से जाना जाता है वेल्ड, और डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, जो कि बिल्कुल नीचे पाया जाता है याद रखेंगे भाई। विश्व में सबसे लंबी नहर कौन सी है भाई, नील नदी है याद रखेंगे, लगभग 6,648 के आसपास में इसकी लंबाई है याद रखेंगे, जो कि मेडिटेरियन सी में जाके मतलब कि भूमध्य सागर में, जो आपका भूमध्य सागर है उसमें जाके अपना जल गिराती है याद रखेंगे। विक्टोरिया नदी और नील और वाइट नदी मिलकर इसे ब्लू नाइल के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, विश्व में स्वर्ण नगर से विख्यात कौन सा नगर भैया, ये जो आपका अफ्रीका महाद्वीप है दक्षिण अफ्रीका का एक जोहान्सबर्ग है, वहाँ पर स्वर्ण की खान बहुत ज़्यादा है वही विख्यात है। केंद्र सरकार के व्यय के स्रोत बताइए भैया, केंद्र सरकार के व्यय के स्रोत जैसे कर वसूली व्यय हो गया, सीमा शुल्क हो गया, एक तरह से ऋण सेवाएं हो गई, प्रशासनिक सेवाएं हो गई, इस सब द्वारा वसूला जाता है। राज्य सरकार के व्यय के स्रोत बताइए, राज्य सरकार के व्यय के स्रोत भैया शिक्षा हो गया, व्यय हो गया, कृषि हो गया, भूमि कर हो गया है ना, मनोरंजन कर हो गया है ना, भूमि संरक्षण कर हो गया, यह सब पशुपालन कर हो गया है ना, यह सब और गृह कर हो गया जो घर का होता है, निगम कर हो गया, यह सब ठीक है भाई याद रखेंगे, चिकित्सा कर हो गया, परिवार नियोजन कर हो गया, यह सब के सब राज्य सरकार के
कर के वसूल है, मतलब राज्य सरकार का कमाई है, इस तरह कह लीजिए। प्रथम पंचवर्षीय योजना की कार्यविधि बताइए भैया। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 1956 तक चला था। भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना एक वर्ष पूर्व समाप्त हो गई थी? भैया पांचवी पंचवर्षीय योजना एक वर्ष पूर्व ही समाप्त हो गई थी, उसी समय शायद एसेशन हो गया था इंदिरा गांधी जी का। अब तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं? 12 पंचवर्षीय योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। अब तो उसकी जगह नीति आयोग आ चुका है, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया, जो कि 1 जनवरी 2015 से इंट्रोड्यूस हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1935 में हुआ था, याद रखेंगे। और राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में हुआ था, 1 जनवरी 1949 को, याद रखेंगे भाई। इस पर रॉयल एक तरह से कह लीजिए कि कौन सा एक तरह से ताड़ का वृक्ष है जो इसका एक तरह से लोगो है, आप याद रखेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण बता दिया भैया 1 जनवरी 1949 को हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्य क्या है भैया? सबसे बड़ा इसका कार्य साथी की एक तरह से जो मौद्रिक नीति है उसको कंट्रोल करना, भारत में तरलता का अनुपात बनाकर रखना, जैसे कि बैंक रेपो रेट है ना, MSF मार्जिनल स्टेट फैसिलिटी, तो यह हो गया। प्लस उसके बाद आपका रिवर्स रेपो रेट है ना, यह सब सारी चीज़ें बरकरार रखता है, बना के रखता है। भारत की मौद्रिक नीति का नियंत्रण कौन करता है भैया? भारतीय रिजर्व बैंक करता है। भारत में विदेशी विनिमय पर नियंत्रण कौन सा बैंक करता है? भारत में विदेशी विनिमय पर नियंत्रण आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में, याद रखेंगे। प्रेरी कहाँ पर स्थित है घास के मैदान भैया? उत्तरी अमेरिका में स्थित है, हमने बहुत बार बताया उत्तरी अमेरिका में प्रेरी घास के मैदान स्थित है। इसके बाद संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा भैया? संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, जनसंख्या की दृष्टि भी एशिया है, पहाड़ों झीलों की दृष्टि भी एशिया ही है, याद रखेंगे। साथ ही यहाँ से बहुत सारी चीज़ें पूछा जाता है। अंडमान सागर किसको कहते हैं? अफ्रीका को कहा जाता है। अफ्रीका से तीनों रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, सारी रेखाएँ यहाँ से गुजरती हैं, याद रखेंगे। साथ ही यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और हमें बहुत खुशी है क्योंकि हम जिस प्रकार से प्रश्न करा रहे हैं सारे के सारे प्रश्न हम आपको एक 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 सेपरेट लेक्चर में दे दिया भाई, आप कर लेंगे तो आपका ग्रुप डी अनेकों एग्जाम में क्लियर होगा सारी चीज़ें भाई। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है भाई, याद रखेंगे। उपराष्ट्रपति का 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति के लिए जो 50 प्रस्तावक होने चाहिए, उपराष्ट्रपति के लिए 20 प्रस्तावक होने चाहिए, तभी आप राष्ट्रपति बन सकते हैं, ठीक है भाई। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन सा भैया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, याद रखेंगे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो कि 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और हमारे देश के प्रधानमंत्री का गठन हुआ था, मतलब बनाए गए थे, और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान भारत को सौंप गया, भारतवासियों को सौंप दिया गया था। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनके तैयार हुआ था, याद रखेंगे। 24 जनवरी 1949 को लास्ट मोहर लगाया गया था संविधान सभा द्वारा हमारे संविधान पर, याद रखेंगे भाई। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति बता दिया गया, अच्छा उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये लगातार 2 बार बनने वाले उपराष्ट्रपति हैं, याद रखेंगे भाई। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ स्थित है भाई? लखनऊ में स्थित है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में मतदाता कौन होते हैं? देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में मतदाता जो होते हैं, संसद के जो दोनों सदन होते हैं वह सदस्य होते हैं, निर्वाचित सदस्य उसके मतलब लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, और राज्यसभा के जितने राज्य हैं सभी के विधानसभा से निर्वाचित सदस्य होते हैं, याद रखना है, ठीक है भाई। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित? इलाहाबाद ये स्थित है भाई, याद रखेंगे। न्यायालय के प्रकार बताइए, न्यायालय के 3 प्रकार होते हैं, जनस्तरीय न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, ठीक है, याद रखेंगे। उपराष्ट्रपति के विषय में आप क्या से जानते हैं भैया? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, इसके 20 अनुमोदक 20 प्रस्तावक होते हैं, एक तरह से राज्यसभा के सभापति होते हैं, राज्यसभा के सदस्य न होते हुए भी वह सदन में सदस्य बने रहते हैं, अपना लास्ट निर्णायक वोट देते हैं, ये सारी बातें आप लिख सकते हैं। इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है भाई, ठीक है ना। जेबी वीटो शक्ति के बारे में बताइए, जेबी वीटो शक्ति का जो पावर है साथ ही राष्ट्रपति के पास होता है, यह अनुच्छेद नंबर 111 में स्थित है, याद रखेंगे। और जेबी वीटो का एक तरह से कहा जाता है क्या होता है, जेबी वीटो का मतलब मान लीजिए कोई राष्ट्रपति के पास कोई बिल आता है, अब राष्ट्रपति को लगता है यह हमारे देश के लिए अनहित कार्य है या इसमें हित नहीं छिपा है देश का, तो क्या करते हैं, 3 उनके पास निर्णय होता है, एक बार तो वह विचार कर सकते हैं, एक बार पूरा सलाह दे सकते हैं, और दूसरा जो तीसरा कंडीशन है उनके पास है कि वह रख लें, अनंत काल तक रख लें उसको अपने पास, न उत्तर दें न किसी को बताएं, रखे रह जाएं, और बाद में किसी और का सरकार बने और कोई और राष्ट्रपति बने तो उसे निरस्त भी किया जा सकता है या फिर कोई अलग सा निर्णय ले सकते हैं, इस बात का रखेंगे। एकमात्र अभी तक के राष्ट्रपति यानी जैल सिंह के कार्यकाल में ऐसा हुआ था 1986 में कि वो जेबी वीटो का प्रयोग किए थे, अभी तक का, याद रखेंगे भाई। उच्चतम न्यायालय के कोई 4 कार्य बताइए भैया, उच्चतम न्यायालय के कोई 4 कार्य लिख लीजिए, मूल अधिकारों का संरक्षण करना, संविधान का संरक्षण करना, उच्चतम न्यायालय अपने निर्णयों पर पुनर्विचार भी कर सकती है अनुच्छेद नंबर 142 के थ्रू वो पुनर्विचार भी कर सकती है, और एक तरह से राष्ट्रपति को सलाह भी दे सकती है, राष्ट्रपति सलाह माने या न माने उनके ऊपर डिपेंड करता है, यह सारी चीज़ें कर सकता है।
उच्च या फिर उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उच्च हो चाहे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की जो नियुक्ति होती है वो हमारे राष्ट्रपति द्वारा होता है। याद रखेंगे प्रधानमंत्री हो गया, मतलब ये सब आपके जो होते हैं राष्ट्रपति द्वारा ही चयन होते हैं। उच्च न्यायालय का कार्य बताइए, उच्च न्यायालय का कार्य क्या भैया? वह अपने अधीनस्थ न्यायालय के पत्रावलियों को मांग कर जांच करता है। इसके बाद अधीनस्थ न्यायालयों के जो कार्य प्रणाली होते हैं उससे संबंधित नियम बनाता है। ठीक, मुगल काल के प्रमुख बंदरगाहों का उल्लेख कीजिए। मुगल काल के जो प्रमुख बंदरगाह थे, लाहौर थे, सूरत थे, खंबात की खाड़ी थी, कालीकट था, है ना, यह सब थे। ठीक है भाई, मुगलकालीन दो अति प्रसिद्ध इमारतों के नाम बताइए भाई। बहुत सारे हैं, लाल किला है, ताजमहल है, आप बना सकते हैं, बहुत सारे बता सकते हैं। ठीक है, बीबी का भी यह जो औरंगजेब बनाया था औरंगाबाद में, यह सब। मनसबदारी प्रथा एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन किसके काल में था भैया? मनसबदारी प्रथा और पर्दा प्रथा का जो काल था यह लगभग अकबर के बाद समाप्त हो जाता है, यह मुगलों के समय था। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था भैया? अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, किसके द्वारा हुआ था? 1542 में, 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। हमीदा बानू बेगम, एक मिनट, हाँ सही है, हमीदा बानू बेगम के गर्भ से हुआ था। हमीदा बेगम जो थी हुमायूं की पत्नी थी। ठीक है भाई, अमरकोट के राणा वीर साल के महल में हुआ था, यह बात भी याद रखेंगे। अकबर का राज अभिषेक 15 फरवरी 1556 को हो जाता है। ठीक है, उस समय हुमायूं सत्ता पे रहता, मतलब हुमायूं की डेथ हो जाती है सीढ़ियों से गिर के, आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, पानीपत का दूसरी लड़ाई कब हुआ था? 1556 हुआ था, अकबर और हेमचंद, है ना, हेमू के बीच, ये हिंदू शासक होता है हेमू, इसके विपरीत में ही सभी लोग रहते हैं, तो याद रखना उनके बीच हुआ था। और ज़्यादातर अकबर का जो सेनापति रहता है ना, वही इनका सहयोग करता है। हल्दीघाटी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था भैया? 1576 में हुआ था, याद रखेंगे, अकबर और हमारे महाराणा प्रताप, है ना, याद रखेंगे भैया, उनके बीच हुआ था। मान सिंह उनके नेतृत्व कर रहे थे, है ना, याद रखेंगे। मान सिंह किसका नेतृत्व कर रहे थे भाई? अकबर के, मतलब अकबर का एक तरह से सेनापति रहता है वो। अब साथी, जो महाराणा प्रताप होते हैं, इनके घोड़े का नाम चेतक होता है और इनके हाथी का नाम होता है क्या? राम प्रताप, है ना, राम प्रताप नाम रहता है, याद रखेंगे। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार कौन कौन थे भाई, बता सकते हैं आप? फटाफट बक दीजिए, है ना। महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई थी ये भी बक दीजिए आप, बता दें 1597 में हुआ था। दीन इलाही क्या है इसके बारे में लिख सकते हैं, लिख लीजिए, है ना, लिखिए फटाफट, लिखिए, इतनी बात करिए आप, है ना। देखिए, चौसा का युद्ध कब हुआ था भैया? हुमायूं और शेरशाह के बीच चौसा का युद्ध हुआ था। चार युद्ध हुए थे, डी सी के एस, देवरा की लड़ाई, चौसा की लड़ाई, कन्नौज की लड़ाई और सरहिंद। इसी सरहिंद के समय ही मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ था, 1555 में हुआ था। ठीक है, इसमें शेरशाह सूरी के वंशज होते हैं और प्लस हुमायूं होता है। कन्नौज की लड़ाई में हुमायूं को इस तरह से घर निकाला कर दिया जाता है, देश निकाला, याद रखेंगे। कब हुआ था? 1540 ईस्वी में हुआ था साथी। यह चौसा की लड़ाई 1539 ईस्वी में हुआ था, यह बात भी याद रखेंगे। यह देवरा की लड़ाई भी उसी के समय हुआ था। अगला आ जाते हैं, शेरशाह के बचपन का नाम क्या था भाई? फरीद था। अकबर लोहानी के यहाँ कार्य करता था, जहाँ पे इसके पिताजी कार्य करते थे। जब यह शेर एक मार देता है, इसका नाम शेर एक हाँ पड़ जाता है भाई, है ना, शेरशाह पड़ जाता है। इसका फरीद नाम रहता है बचपन का, शेरशाह बाद में पड़ जाता है। अकबर के कार्यकाल में आमिल का कार्य क्या था? आमिल याद रखें, अकबर का जो कार्य था उसमें आमिल का काम क्या होता था? आमिल का काम यही होता था भाई, राजस्व वसूली करें। जहांगीर द्वारा लिखी गई आत्मकथा का नाम बताइए, तुझके जहांगीरी, जहांगीर द्वारा। अकबर के किन किन पर्यटक स्थलों का निर्माण किया था अकबर ने भैया, बता देंगे किन किन? लाल किला का 1565 ईस्वी में, इलाहाबाद का किला 1583 ईस्वी में, अटक का किला 1581 ईस्वी में, है ना, याद रखेंगे भाई। फतेहपुर सिकरी, दीवाने खास, कोसागर, पंचमहल, यह सब के सब यही बनवाया था। जोधाबाई महल, है ना, या इबादत खाना, सिफा खान, जनाना बाग, जनाना रास्ता, मीना बाजरा, नौबात खाना, हवा महल, टोडरमल का महल, हिरन महल, हिरन मीनार, यह सब यही बनवाया था भाई। बाबर का जन्म कब हुआ था भाई? बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में हुआ था, 14 फरवरी 1483 ईस्वी को हुआ था, याद रखेंगे, हाँ। ठीक है भाई, बाबर का। उसके बाद आपको पता है कि इसकी एक तरह से चार पुत्र भी थे, हुमायूं, कामरान, असगरी, हिंदाल थे, है ना। पांच बार यह भारत पर आक्रमण किया था। पहला बार भारत पर जो आक्रमण रहता है वो 1519 को होता है, दूसरा 1526 1527 1528 1529। ठीक है, लास्ट, पानीपत का प्रथम युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? 1526 में हुआ था, 21 अप्रैल 1526 को हुआ था, याद रखेंगे। और इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर जीत गया था। खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? 1527 में हुआ था, 17 मार्च 1527 को हुआ था। किसके बीच हुआ था भैया खानवा का युद्ध? मादनी राय के बीच, सॉरी 1526 1527, राणा सांगा के साथ हुआ था। राणा सांगा जो थे भाई, यह पहले आमंत्रित से किए थे, भैया आइए, आओ, आप हमारे इब्राहिम लोदी को मार के हटा दो। बाद में जब यह राणा सांगा के द्वारा बुलाए जाने पर आ जाते हैं, राणा सांगा खुद सहयोग नहीं करते इनका, इनको गुस्सा आता है, या राणा सांगा को लाट लाट के मारते हैं। इसके बाद राणा सांगा के एक दोस्त होते हैं मादनी राय, 1528 ईस्वी में, 1527 ईस्वी में इनके साथ कूद जाते हैं, भैया हम भी बाबर को हराएंगे। बट जब बाबर फिर गुस्सा हो जाता है भाई, बाबर गुस्सा होता है, 1528 ईस्वी में कहता भैया आ जाओ तुम खानवा की लड़ाई में, पानी पिया, खाना खाया, चंदेरी की लड़ाई में बुला लेता है मादनी राय को, फिर मादनी राय को भी लाट लाट के मारता है। फिर अफगान शासक,
अफगान जितने होते हैं उनके विरुद्ध 1528 में घाघरा की लड़ाई के लिए 1529 में घाघरा की लड़ाई के लिए बिगुल बजा देता है। याद रखेंगे भाई, अफगान बाबर के बीच में हुआ है 1529 का घाघरा की लड़ाई। बाबर भी यही रहता है। बाबर की पुत्री कौन थी तथा बाबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ? बाबर के पुत्री का नाम था गुलबदन बेगम, याद रखेंगे भाई, जो कि हुमायूं की बहन रहती है। यही गुलबदन बेगम हुमायूं के ऊपर एक किताब लिखी हुई है, याद रखेंगे भाई, है ना। हुमायूं उत्तराधिकारी होता है इनका। औरंगजेब का जन्म कब हुआ था? औरंगजेब का जन्म भैया 1628 ईस्वी में हुआ था, 3 नवंबर 1628 ईस्वी में हुआ था। मुमताज इसकी माँ थी। दीवान ए खास तथा दीवान ए आम किस शासक द्वारा बनवाए गए थे? शाहजहां द्वारा बनवाए गए थे। शाहजहां के काल को स्थापत्य कला की काल कहते हैं और जहांगीर के काल को चित्रकला का काल कहते हैं, है ना, संगीत का काल कहते हैं। निम्नलिखित में से धात्विक पदार्थों का को छांट कर लिखे भैया। देखिए, गंधक है, लोहा है, अभ्रक है, तांबा है, सोना है, कोयला है। तो इसमें धात्विक पदार्थ तीन ही तो हैं, लोहा, तांबा और सोना। भारतवर्ष भी देखिए, आप लोग अगर हीरे को कहते हैं धातु है तो हीरा धातु नहीं है, हीरा तत्व है, तत्व यानी खनिज है। हीरा, हीरा डायमंड जो है खनिज है, वो किसी पीरियाडिक टेबल में नहीं स्थित है, याद रखना है। बहुत सारे बच्चे हीरे को धातु समझते हैं, पीरियाडिक टेबल में सोचते हैं स्थित है। अगर उनसे पूछा जाता है हीरा बताइए कठोर सबसे एलिमेंट कौन है, तो लोग बताते हैं हीरा। हीरा नहीं भाई, उस समय आप प्लेटिनम बताएंगे सबसे कठोर में, सबसे भारी में ऑस्मियम बताएंगे, सबसे हल्का में लिथियम बताएंगे। ये सब बात याद रखना है आपको। भारतवर्ष में सबसे अधिक सोना किस स्थान पर पाया जाता है? भारतवर्ष में सबसे अधिक सोना कोलार, कर्नाटक का एक कोलार खाने वहाँ पाया जाता है। बॉक्साइट का उपयोग होता है भैया हवाई जहाज के निर्माण में होता है, खिड़की वगैरह जो बड़े बड़े होते हैं वहाँ बॉक्साइट का निर्माण करते हैं। किस योजना का मुख्य उद्देश्य था? समावेशी विकास करना। 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, जो कि 2012 से 2017 तक चला था, इसका समावेशी विकास से रिलेटेड था। अणुशक्ति ऊर्जा संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापना है भैया? 1962 में स्थापना हुआ था इसका। शीतोष्ण प्रदेश में पाए जाने वाले दो पशुओं के नाम बताइए। जंगली घोड़ा, जंगली भैंस, ये सब आ जाते हैं भैया, जंगली सूअर, ये सब आ जाते हैं, सब जंगली लगा दो, हो गया। अंटार्कटिका की खोज में गए भारतीय दल में कुल कितने सदस्य थे भैया? 21 सदस्य थे, अंटार्कटिका की खोज करने के लिए गए थे, है ना, याद रखेंगे भाई। समवर्ती सूची में आने वाले चार विषयों के नाम बताइए भैया। चिकित्सा हो गया, शिक्षा हो गया, धार्मिक हो गया, शादी विवाह हो गया, ये सब आ जाते हैं इसमें, ठीक है ना। उद्योग धंधा हो गया। भारत की तीनों सेनाओं के प्रधान कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं भाई, याद रखना है आपको। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष। बाबरनामा किसके द्वारा लिखा गया है? बाबरनामा बाबर की आत्मकथा है भाई, याद रखेंगे। कबूलियत किसे कहा जाता है भाई? किसानों द्वारा अपनी भूमि एवं उस पर दे लगाना, दे लगान का जो विवरण होता है वह एक तरह से कबूलियत कहलाता है। हल्दी घाटी के युद्ध 1576 ईस्वी में राणा प्रताप 18 जून 1576 ईस्वी में हुआ था, महाराणा प्रताप के साथ हुआ था। हल्दी घाटी वही राजस्थान का भाई। भारत में फ्रांसीसियों की असफलता के दो कारण बताइए भैया। फ्रांसीसियों के दो जो असफलता के कारण थे, पहले उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी और दूसरा उनके जो कर्मचारी थे कंपनी के, वो जब चोर हो गए थे ससुरे, सो अपनी कंपनी को लूट खा रहे थे, अपने घर का देख रहे थे, मतलब कंपनी का नहीं देख रहे थे, अपने में रुचि लेने लगे थे ना। और कह लीजिए कि एक तरह से मतभेद हो गया था दोनों, मतलब कि अपने कर्मचारी में ही लड़ाई हो गया था, भैया आप अच्छा नहीं कर रहे हो, आप अच्छा कर रहे हो, ये सब सारी चीज़ें। हुमायूं और शेर शाह के बीच कौन कौन से युद्ध हुए थे भाई? हुमायूं और शेर शाह के बीच में चौसा हुआ था, कन्नौज हुआ था, याद रखेंगे, यह दो ही याद करेंगे। चौसा कन्नौज कहाँ लिखे भाई? चौसा कन्नौज को हम लोग बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। बिलग्राम 1540 में, चौसा 1539 में, चौसा और 1540 में बिलग्राम या फिर कन्नौज, ठीक है ना। परमाणु ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत कौन कौन से हैं? परमाणु ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत यूरेनियम है, थोरियम है, रेडियम है, जो एफ ब्लॉक के जितने तत्व हैं ना, सब कुछ। धात्विक पदार्थ के दो उदाहरण लिखिए, लोहा, तांबा, टाँका, जस्ता, यह सब सारे के सारे आप लिख सकते हैं धातु पदार्थ, सीसा, चांदी, सोना, ठीक है ना। टुंड्रा प्रदेश में चलने वाली बर्फीली हवाओं को क्या कहते हैं भाई? टुंड्रा प्रदेश में जो बर्फीली हवा चलती है उसे क्या कहते हैं? पुस्टाज। टुंड्रा में पुस्टाज कहा जाता है, वहाँ पुस्टाज घास के मैदान भी पाए जाते हैं, जो ठंडी वाले प्रदेश हैं, आर्कटिक वाला क्षेत्र, अंटार्कटिका वाला क्षेत्र, कनाडा का क्षेत्र हो गया, इधर साइबेरियन एरिया हो गया, वहाँ पुस्टाज घास के मैदान पाए जाते हैं, ठीक है। आपका ग्रीनलैंड हो गया, जो कि एक तरह से उपनिवेश, ग्रीनलैंड किसका भाग है भाई बता देंगे, जो कि नॉर्थ अमेरिका में पड़ जाता है लेकिन भाग है यूरोप का। स्थल मार्ग किसे कहते हैं? स्थल मार्ग मतलब जमीन के रास्ते से जब जाना होता है तो स्थल मार्ग कहा जाता है। मरुस्थली प्रदेश किसे कहा जाता है? जहाँ पर मरुस्थल होते हैं, रेगिस्तान होता है ना, जहाँ पर काफ़ी गर्म होता है, लू चलता रहता है हमेशा, ठीक है भाई, यस। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है भैया? राष्ट्रपति होते हैं। द्वितीय नागरिक उपराष्ट्रपति, तृतीय नागरिक प्रधानमंत्री। संसदात्मक व्यवस्था किसे कहते हैं? संसदात्मक व्यवस्था में साथी याद रखेंगे, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा मिलकर संसद की व्यवस्था करता है, कानून बनाने का कार्य जो होता है संसद द्वारा होता है, यही हमारा संसदात्मक व्यवस्था है। राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है? 12 सदस्यों को। बाबर के पुत्रों के नाम लिखे, हुमायूं, कामरान, हिंदाल, अस्करी। हुमायूं के असफलता के दो कारण लिखे भाई, उसके अफगानी शत्रु होते हैं, अफगानी जो होते हैं बहुत खतरनाक होते हैं ससुर साहब, शत्रु होते हैं, उसके पिता के समय से लड़ता आ रहा था शेर सासुरी, इसको उलाड़ देता है आकर।
हुमायूं के सगे संबंधी भी एक तरह से उसके विपरीत थे। ठीक है, याद रखेंगे भाई। जहांगीर द्वारा विजित चार राज्यों के नाम लिखे, कंधार, मेवाड़, अहमदनगर, कांगड़ा, यह सब लिख सकते हैं आप। उदयपुर वगैरह सब कुछ एक तरह से जहांगीर द्वारा ले लिया गया था बाद में। औरंगजेब के दक्षिण भारत में किन राज्यों पर आक्रमण किया? औरंगजेब ने दक्षिण भारत में बीजापुर और गोलकुंडा पर, गोलकुंडा शासक बहुत बलवान होता है ना, वहाँ पर वो आक्रमण किया था लेकिन हार जाता है। भारत ने अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच संघर्ष के दो कारण लिखे, भारत और औरंगजेब के बीच में, सॉरी फ्रांसीसियों के बीच में, भारत में जो अंग्रेज और फ्रांसीसी होते हैं, पहली बात उत्तराधिकारी को लेकर लड़ाई हो जाता है, दूसरी बात है कृषि उपनिवेश, व्यापार स्पर्धा, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा को लेकर लड़ाई हो जाता है कि हम आगे हैं, हम पीछे हैं, आप यहाँ नहीं करोगे, यह सारी चीज़ें। बहुत सारे अधिनियम आते हैं, 1833 आता, 1813 आता, 1813 आता, इस तरह से अधिनियम बहुत सारे आते हैं। अस्थाई बंदोबस्त के दो लाभ लिखिए भाई। अस्थाई बंदोबस्त से जो लाभ होता था, इससे कंपनी के तथा लोगों के आर्थिक, जो आर्थिक होता था उन लोगों का, हितों के बारे में सोचा जाता था। इसमें जो राज्य निर्धारित आय करता था उसके निश्चित समय से प्राप्त हो जाती थी। ठीक है, यह बात याद रखेंगे। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के चार सामाजिक सुधार लिखिए भाई, लिख सकते हैं आप, आराम से लिखिए, लिख लीजिए फटाफट। या कृषि भूमि बंदोबस्त लाए थे, एक तरह से नदियों का स्टीमर चलवाए थे या, है ना, और मालगुजारी प्रथा को या निर्णायक के रूप में मतलब माने थे। इसके बाद जो आपका बहुत सारे प्रथा थे विलियम बेंटिंक के समय, आपको पता है साथी कि जो आपका सती प्रथा था यह भी बंद हुआ था। यह भारत के पहले गवर्नर जनरल होते हैं, और मतलब भारत के मतलब बंगाल के लास्ट गवर्नर जनरल होते हैं, भारत के पहले बंगाल के लास्ट गवर्नर जनरल और भारत के पहले गवर्नर जनरल होते हैं विलियम बेंटिंक। याद रखेंगे राजा राम मोहन राय जी इन्हीं के समकालीन थे। रेगुलेटिंग एक्ट के दो दोष लिखिए। रेगुलेटिंग एक्ट जो था साथी, गवर्नर जनरल का परिषद की दया पर निर्भर करता था, मतलब उनके कार्य क्षेत्र पर निर्भर करता था, और एक तरह सर्वोच्च न्यायालय का एक तरह से अस्पष्ट क्षेत्राधिकार था। लॉर्ड क्लाइव के दो उपलब्धियों को लिखिए भाई। यह अर्काट की विजय किया था और ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति भी बढ़ाया था, याद रखेंगे। प्लासिक युद्ध किसके बीच हुआ था भैया, याद रखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी में जो क्लाइव रहता है और प्लस आपको बता दें सिराजुद्दौला के नवाब के बीच, मतलब कि जो बंगाल का नवाब होता है सिराजुद्दौला, उसके बीच होता है। प्रधानमंत्री के दो कार्य लिखे भाई, बहुत सारे कार्य हैं, लिख सकते हैं आप। उच्च न्यायालय के दो कार्य लिखे भाई, इसको बता दिया गया। उच्च न्यायालय की जो बात किया जाता है भैया, संविधान के अनुच्छेद 226 में बात किया जाता है। इसके बाद सुनामी से आप क्या समझते हैं भाई, लहरें होती हैं जो कि एक तरह से, जब सुनामी जो होता है वह पानी के रास्ते, मतलब इस तरह आप लिख सकते हैं उसको, देख कर भी पढ़ कर भी। शिवाजी द्वारा लगाए गए दो करों का नाम लिखिए। शिवाजी द्वारा दो कर लगाया जाता था, सरदेशमुखी और चौथ कर, याद रखेंगे। राज्य अपहरण नीति को लागू करने वाला गवर्नर जनरल कौन था भाई, तो बता देंगे लॉर्ड डलहौजी था, जो कि 1848 से 1856 तक कार्यकाल था, सबसे पहले सतारा को, उसके बाद लास्ट में 1853-55 के आसपास में वह झांसी पूरा का पूरा अपने अंडर में करना चाहता था, लेकिन झांसी की रानी और इधर सतारा वगैरह जो था, नानाजी वगैरह सब लोग परेशान हो जाते हैं इससे। भारत में आने वाली यूरोपीय शक्तियों का क्रम बताई भी हमने बता दिया, पुर्तगाली, डच, अंग्रेजी और फ्रांसीसी, लेकिन अगर पूछा जाता है कि कंपनी बसाने का क्रम, तो अंग्रेज पहले जाते हैं, डच पीछे हो जाता है। भारत की सबसे बड़ी बहुदेशी नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो बता देंगे भाखरा नांगल परियोजना, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है भाई, याद रखेंगे भाई। वन से प्राप्त होने वाले दो अप्रत्यक्ष लाभ लिखिए भाई। वन से पहली बात प्रदूषण कम होता है, और भूमि कटाव तथा मरुस्थली जो होता है, मरुस्थल के प्रसार पर रोक लगता है, इसलिए सरकार बढ़ावा देती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाइए। 191 नंबर का प्रश्न देखिए भाई। विश्व में अधिकतर मछली क्षेत्र किस प्रकार के कटबंदी में मिलते हैं? विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला क्षेत्र कौन सा भैया? विश्व का जो सबसे बड़ा मछली पकड़ने वाला दोस्तों जो सागर है, वो प्रशांत महासागर है, उसके बाद अटलांटिक जो आपका यह आकृति का है ना, इधर उत्तरी अमेरिका, इधर दक्षिणी अमेरिका, इधर आपका यूरोप, इधर अफ्रीका, उसके बीच में पड़ जाता है, ठीक है ना। शीतोष्ण कटिबंधी वाले क्षेत्र में ही ज़्यादातर मछलियाँ पाई जाती हैं। प्लैंकटन नामक इनका खाने का पदार्थ होता है। शक्ति के संसाधन से आप क्या समझते हैं? शक्ति के संसाधन मतलब कि एक तरह से कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब शक्ति के संसाधन हैं, आप लिख सकते हैं। पेट्रोलियम गैस हो गया, अगर ये सब नहीं रहेंगे तो हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा, ये सब आप लिख सकते हैं। अपनी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए, चलाने के लिए, आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए सब बहुत ही आवश्यक है। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य किन क्षेत्रों से मनोनीत करते हैं भैया? साहित्य हो गया, कला हो गया, विज्ञान हो गया, साहित्यकार हो गया, खेल जगत हो गया, शिक्षा जगत हो गया, इन सब से, ठीक है भाई। भारत के प्रथम तथा वर्तमान प्रधानमंत्री का नाम बताइए भाई। प्रथम प्रधानमंत्री आप बता सकते हैं जवाहरलाल नेहरू, वर्तमान प्रधानमंत्री भी आप बता सकते हैं हमारे माननीय मोदी जी। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का कार्यकाल क्या होता है भैया? केंद्रीय मंत्रिपरिषद का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों के लिए होता है, एक तरह से निश्चित नहीं होता है, उसको अगर भंग कराना चाहें तो भंग भी हो सकता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यत पे रहता है, लेकिन 5 साल माना जाता है, जब तक हमारे प्रधानमंत्री नहीं बोलते तब तक भंग नहीं होता है।
राजस्व का अर्थ बताइए। राजस्व का अर्थ होता है राजन प्लस स्व, है ना, संयुक्त अक्षर से मिलकर बनता है। तो याद रखेंगे राजा का धन, राजस्व का मतलब होता है राजा का धन। अतः सहकारी आय व्यय एवं उससे संबंधित क्रियाओं का अध्ययन ही राजस्व कहलाता है। डेबिट कार्ड था क्रेडिट कार्ड से में अंतर बताइए। भैया डेबिट कार्ड होता है बैंक के ग्राहक को उसकी बैंक में जमा राशि के बदले जारी किया जाता है, है ना, जो उतना बैंक में राशि जमा किया होता है उसके बदले उसे डेबिट कार्ड जारी किया जाता है। इसके द्वारा ग्राहक सामान सेवा एवं विक्रेता को तुरंत भुगतान कर सकता है। और क्रेडिट कार्ड जो होता है ग्राहकों को बैंक द्वारा जारी किया जाता है जिनकी साख बैंक के पास होती है। इसके लिए बैंक खाते में रुपया होना आवश्यक नहीं है, लेकिन डेबिट कार्ड के लिए बैंक में पैसा होना आवश्यक है। अब लघुत्तरी स्टार्ट हो गया। लघुत्तरी भी बहुत आसान है, हरित क्रांति वगैरह है, साथ ही आराम से पढ़िए। टुंडा प्रदेश क्या है, लोहा उत्पादन क्या है, मतलब कहाँ पर होता है, सम्राट अकबर की राजपूत नीति की समीक्षा कीजिए, मतलब आप आराम से इसमें लिख सकते हैं। आज ये आपका डलहौजी की हड़प नीति क्या थी सब बता दिया हमने। सतारा सबसे पहले हड़पा गया था, शेरशाह सूरी की मृत्यु कब हुई थी उसकी कहानी लिख दीजिए, हम सब बता रखे हैं। साथ ही आप देख लीजिए, लघुत्तरी के विषय में चर्चा नहीं करते हैं, जो हमने बताया बस उतने में से ही सारे प्रश्न आएंगे। बस आप डिटेल में जो चीज़ें हमने बता रखे हैं वो लघुत्तरी में भी काम देगा आपका, ठीक है ना। ये सारी चीज़ लिखनी होती हैं, धातु खनिज कहाँ पाया जाता है ना, ये सारी चीज़ें, घास के मैदान वगैरह अच्छे से पढ़ लेना, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। बस कल एक महामैराथन आएगा कंप्यूटर का देखेंगे। इसी तरह हम लोग राजन सीरीज हर चैप्टर का कंप्लीट कर लेंगे। मैथ का खत्म कर लिया, साइंस का खत्म कर लिया, आज SST खत्म हो गया, कल कंप्यूटर का आएगा। धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करिए मस्त तरीके से और मेहनत करिए भाई। नमस्कार।